सबसे पहले सभापति महोदय हम सिद्दीकी साहब को बधाई देंगे कि स्मार्ट सिटी का परिभाषा जो आपने सदन में दिया है उसके लिए आपको बधाई है। हम जिस जगह से आते हैं सभापति महोदय, पक्ष या विपक्ष, पूरा दुनिया, पूरा देश वैसा धरती नहीं देखा है। जो भी जाते होंगे, चाहे मंत्री जाएं, चाहे संतरी जाएं, बाहर में बोर्ड बड़ा सुंदर नगर निगम लगा दिया है, मोक्ष की धरती और ज्ञान की धरती में आपका स्वागत है। सभापति महोदय, पूरे विश्व में कहीं की धरती जहां मोक्ष की प्राप्त होती है, अज्ञान की प्राप्ति होती है, वो धरती गया है। उस धरती को स्मार्ट सिटी में नहीं बनाना, ये अपने आप में हास्यास्पद है। स्मार्ट सिटी अगर गया को डेवलप कर दें, नगर विकास, तो जैसे हरियाणा, राजस्थान की आमदनी, वहां की पूरे सरकार का जो बजट है वो टूरिज्म पर है। आज कोई, चाहे दीर्घा पदाधिकारी दीर्घा में बैठे हों या सदन में बैठे हों, ऐसा कोई वर्ष है जिस वर्ष आपके रिश्तेदार, आपके परिवार गया में जाकर पितृदान नहीं करते हों? ऐसा कोई है जो विदेशों से आते हों? सबसे ज्यादा अगर टूरिज्म कहीं आता है तो गया में आता है। जब प्रतिपक्ष आता है, जब सीजन आता है, दलाई लामा आते हैं, तो यहां के पदाधिकारी विदेशी फॉरनर को बजाबता एस्कॉर्ट के साथ गया भेजते हैं और गया को स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जाता है। दुर्भाग्य है सभापति महोदय। मैं कुछ ऐसी बातें गया नगर निगम और गया के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री गया को स्मार्ट सिटी में सिर्फ भाषण नहीं, इलेक्शन ईयर है माननीय मंत्री जी, भाषण पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, वहां के लोग आप पर विश्वास किए हैं, आपके सरकार पर विश्वास किए हैं, वहां का विधायक आज बिहार के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, एनडीए की सरकार है बिहार और दिल्ली में, और गया स्मार्ट सिटी में नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है? विपक्ष